स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ में कब तक करें घरेलू इलाज और किस पर्टिकुलर स्टेज के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आज के समय में पूरी दुनिया में डायबिटीज़ एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और इस बीमारी की खास बात यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण भी ठीक से प्रकट नहीं होते, इसलिए हमारा इस बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसकी गंभीरता जो है वो बहुत बड़े स्तर की है। और अगर आपको डायबिटीज़ के कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो आप तुरंत अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए और रेगुलर टेस्ट कराइए दोस्तों। और अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो उसको कभी भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। दोस्तों आपको ये भी समझना चाहिए कि डायबिटीज़ का इलाज एलोपैथी में तो है नहीं एक लाइन में, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से इसको बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और एलोपैथी इमरजेंसी में काम करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप ये मान के ना बैठें कि आपको एलोपैथी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है या फिर आप आयुर्वेद पर ही डिपेंड रहेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है ये आपकी परिस्थितियां तय करेंगी। यानी अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल चल रहा है, नियंत्रण में है, तो आप समझिए कि आप आयुर्वेद पर डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, कभी भी बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और दोस्तों आज हम ब्लड शुगर की उस रेंज की बात करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस रेंज तक, किस रीडिंग तक आप घर पर इंतज़ार करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर डिपेंड रहें, और किस रीडिंग के बाद आप इमरजेंसी समझें और डॉक्टर के पास जाएं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है। तो आप समझिए दोस्तों कि आपको लगातार एक ही समय पर 3 दिन तक अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना है। और अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो 3 दिन ये रीडिंग जो है टेस्ट की वो डायबिटीज़ वाली रेंज की दिखाएगा, यानी 3 दिन ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि करना क्या है। मैं आपको बताऊं दोस्तों पहले फास्टिंग शुगर के बारे में कि जो नॉर्मल रेंज है वो 90 से 120 है, लेकिन अगर ये रीडिंग 121 से 160 के बीच में आती है तो प्री डायबिटिक रेंज कहलाती है। यानी इसमें आपको डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं होती, बल्कि कहा जाता है कि आप डायबिटीज़ के रिस्क में हैं। डायबिटीज़ के रिस्क में आने का मतलब है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए और कोई हल्का फुल्का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। और डाइट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको इस कंडीशन से वापस नॉर्मल रेंज में ले आएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर ये रीडिंग 161 से 240 के बीच में आती है दोस्तों, तो इसे डायबिटिक रेंज कहते हैं, ये लेवल 1 की डायबिटीज़ है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप शुगर नापने की मशीन लेके आइए, ग्लूकोमीटर लेके आइए और रेगुलर अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर कीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि ये कहीं 240 से ऊपर तो नहीं हो रही, पहली बात। और दूसरी बात कि आप इस समय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे बिलीव कर सकते हैं और ये मॉनिटर कीजिए कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो 240 से कभी ऊपर ना जाए और ग्रेजुअली कम होती रहे। अगर ऐसा हो पा रहा है तो फिर आप एलोपैथी शुरू ना करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के सहारे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये रीडिंग 300 प्लस चली जाती है, 300 से ज़्यादा हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, ख़तरनाक स्थिति है, और इसमें आपका जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है वो काम नहीं कर रहा है और आपको एलोपैथी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं रैंडम शुगर टेस्ट की, यानी पीपी ब्लड शुगर टेस्ट की। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है दोस्तों वो 140 से 180 mg/dL है, लेकिन अगर ये 181 से 200 के बीच में आती है तो ये प्री डायबिटिक रेंज है। और इसमें फिर वैसे ही आप कीजिए कि डाइट को कंट्रोल कीजिए और कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू कीजिए, डायबिटिक ड्रिंक चालू कीजिए, तो आप रिवर्स कर जाएंगे। लेकिन अगर ये रेंज 201 से 240 तक पहुंचती है तो दोस्तों ये लेवल 1 की डायबिटीज़ कंडीशन है और इसमें आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर डिपेंड तो रह सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको अपनी ब्लड शुगर को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी ब्लड शुगर 240 से ऊपर ना जाए। अगर ये 240 से 300 या 300 से ज़्यादा तक पहुंचती है दोस्तों, तो आप समझिए कि आपको तुरंत एलोपैथी पे शिफ्ट होना है, डॉक्टर्स से कंसल्ट करना है और कोई भी डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसे चालू कर देना है।
लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर के टेस्ट को ज़्यादा महत्व दें इन कंपैरिजन टू रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी